हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मोहम्मद सलीम काजी और आप सबका स्वागत है। मैं अभी शाम के करीबन 6:15 हो रहे हैं और अभी नहाया हूँ और बहुत तेज तूफान हो रहा है, बारिश हो रही है आज। चलिए क्या करते हैं, अभी बताता हूँ मैं मसल गेनिंग के लिए क्या क्या लेता हूँ। शेक क्या लेता हूँ और एग वाइट लेता हूँ, क्या क्या लेता हूँ चलिए आपको दिखाता हूँ। और कुछ इस तरह का मेरा आउटफिट है आज। चलिए, गेनिंग के लिए अपन को चाहिए है काजू, कुछ बादाम, किशमिश और 2 खजूर, 1 ग्लास दूध और इस सबको ग्राइंड करने के लिए मिक्सर। चलिए इसको ग्राइंड करते हैं। और 4 एग बॉईल करने रख दिए हैं, जिसको अपन एग वाइट खाएंगे, होल एग नहीं खाएंगे। इस सबको मिक्सर में डालेंगे जार में। सबसे पहले काजू, सब कुछ जार में डाल दिया है। अब अपन डालेंगे दूध जार में। अब इसको अपन करेंगे ग्राइंड और फिर अपना बन जाएगा प्रोटीन शेक। वे प्रोटीन तो अपन ने इसमें डाला नहीं है। चलिए इसको करते हैं ग्राइंड। ये अपन ने मिक्सर रख ली है, अब अपन लगाते हैं जार। ये ग्राइंड हो रहा है, ये बन के रेडी हो गया है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं, बताते कैसे लगता है। बहुत बढ़िया है। गेनिंग के लिए मैं ये शेक लेता हूँ, वे प्रोटीन नहीं लेता हूँ मैं। और अब इसके बाद अपने अंडे बॉईल करने रखेंगे। मेरा प्रोटीन शेक ख़त्म हो गया है। इतनी गर्मी हो रही है, इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है, क्या बताऊँ मैं। और तूफान का असर भी बहुत ज़्यादा है इटारसी में भी। चलिए आपको बाहर चल के दिखाता हूँ कितना असर है तूफान का। ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है, अभी पानी गिर रहा था थोड़ी देर पहले, अब तो बंद हो गया है। कूलर बिल्कुल असर नहीं कर रहे हैं, अभी तो बिल्कुल साफ है, कोई पानी आनी नहीं गिर रहा है। अभी मैं बता ही रहा था कितनी ह्यूमिडिटी, और बाहर आते ही मुझे पसीना आने लगा है, अंदर ही अच्छा लगता है। और अभी मैं अपनी बालकनी में खड़ा हूँ, बस मज़ा ले रहा हूँ, कभी धूप कभी छाँव और कुछ नहीं। अभी शाम को जाऊँगा पापा को टिफिन देने, तो फिर आपको ले चलूँगा बाहर, मोटो ब्लॉगिंग दिखाऊँगा थोड़ा बहुत। और कुछ नहीं, बाहर तो जा नहीं सकते, लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग निकल रहे हैं रोड पे, जैसा आप देख रहे हैं। ये देखें, ये सामने रेल की पटरी जिस पर मुंबई ट्रेन जाती है, और सामने इसे है। आज फिर डेली रूटीन के तरह पापा को टिफिन देने जाते हुए ऑफिस उनके, और रास्ते में हूँ, पहले ऑफिस पहुँच के मिलता हूँ। मैं स्टेशन आ गया हूँ, गाड़ी पार्क कर देता हूँ और सामने देखो ट्रेन खड़ी है। फिर मैं वहीं से जा रहा हूँ पार्सल ऑफिस के यहाँ से, क्योंकि यहाँ से मेरे पापा का ऑफिस पार्ट पर पता है, इसलिए मैं यहाँ से जाता हूँ, मेन एंट्री से नहीं जाता हूँ। ये देखिए, जब भी बाहर निकलिए बिना मास्क के मत निकलिए। पापा को टिफिन दे के रिटर्न जा रहा हूँ, ऑफिस तक नहीं गया, पापा खुद ही आ गए लेने आधी रास्ते तक। और अभी कुछ नहीं, सामने ट्रेन आ रही है, मैं पटरी क्रॉस करता हूँ, उसके बाद आपको बात करता हूँ। ट्रेन आ रही है, और अब मैं चलो घर पहुँचता हूँ। बात जो हो इस रास्ते में, और कुछ नहीं यार, कहीं तो जा ही नहीं सकते, तो क्या करें, बस पापा को टिफिन देने ही आ जा सकते हैं। और अभी इतना बुरा हाल, कहीं बाहर भी नहीं निकलना चाहिए किसी को। और मैं घर पहुंच गया हूं, और रामनगर की पूरी लाइट चली गई है, बारिश और हर चीज़ का नाटक रामनगर। रात के 9 बज रहे हैं, बहुत तेज पानी गिर रहा है इटारसी में, तूफान का असर पूरा है, और लाइट भी चली जा चुकी है। इतनी तेज बारिश है कि कुछ दिख भी नहीं रहा है सामने का, कैमरा कुछ जस्टिस नहीं कर रहा है।
इतनी तेज बारिश हो रही है। फिर उसी जगह जहां मैं कल था, रात 12:06 हो रहे हैं और अभी मैं फिर रेलवे स्टेशन आया हूँ और पार्किंग में खड़ा हूँ पार्सल ऑफिस की। यह है पार्सल ऑफिस की पार्किंग और अंदर रजिस्ट्रेशन, बाहर खड़ा हूँ, अंदर नहीं गया हूँ। यह है इटारसी और गुरुद्वारा और सामने से कार आते हुए मसाले डालते हैं, मसाला डालते हैं कुछ। ये मैगी बन के तैयार हो गई है और धनिया से इसलिए सजा दी गई है क्योंकि आजकल हमको फूड ब्लॉगर बनने का बहुत शौक आ रहा है, तभी क्या फोटो भी खींची जाएंगी इसलिए। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 11 बज रहे हैं, मैंने नहा लिया है और चलिए देखते हैं घर में क्या बना है खाने के लिए। आज तो लगता है कुछ ज़्यादा ही बना है, शायद नॉन वेज भी हो सकता है, अभी जब खाएंगे तो बताएंगे। ये मैंने खाना निकाल लिया है और आज मटन करी बनी है। चलिए मैं खाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको बाद में। बहुत ही यम्मी सी दिख रही है। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और खाना पीना हो चुका है, अब चलते हैं साइकिलिंग को थोड़ा देखते हैं। साइकिलिंग करने का मन कर रहा है तो सुबह से पैर पैर करवा के रखते हैं, उसमें देखते हवा है कि नहीं। चलिए नीचे घर के निकालते हैं उसे। साइकिल बाहर निकाल ली है और अब उसको साफ करते हैं, फिर चलते हैं हवा भराने इसमें। ये हमारी लैम्बोर्गिनी, इससे हम सुबह जाएंगे सुबह साइकिलिंग करने मॉर्निंग में। कल वर्कआउट भी छूट गया था मेरा, तो पैदल चले साइकिल में हवा भरवाने और गुरु को नदी पूरा सुमसाम, कुछ नहीं है, भरवा के हवा भरवा लेंगे तो कल सुबह अपन से चलेंगे साइकिलिंग करने। मिलते हैं। मेरी लैम्बोर्गिनी में हवा डल गई है और ये साइकिलिंग करने रेडी है। अब आपको मोटो व्लॉग नहीं, साइकिल के ऊपर व्लॉग्स मिलेंगे। बस अब इतना ही इस व्लॉग में, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर। बाय, टाटा।